अपनी बेटियों के करियर को बनाने के लिए पति से अलग हो गई थी बबीता। बॉलीवुड में अपना एक बेहतरीन मुकाम बनाने वाली बबीता शिवदासानी का आज जन्मदिन है। बबीता शिवदासानी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रही हैं। आप सभी को बता दें कि बबीता शिवदासानी ने रणधीर कपूर से शादी की है और उनकी दो बेटियां हैं जो आज बॉलीवुड का बड़ा नाम है। उनकी बड़ी बेटी का नाम करिश्मा कपूर, वहीं उनकी छोटी बेटी का नाम करीना कपूर है। बबीता 70 से 80 के दशक की एक एक्ट्रेस रही थी और उनका संबंध सिंधी परिवार से था। बबीता के पिता हरी शिवदासानी भी एक एक्टर थे और केवल इतना ही नहीं, मशहूर एक्ट्रेस साधना रिश्ते में उनकी कजिन थी। बबीता का परिवार मूलतः पाकिस्तान से था और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उनका परिवार भारत आ गया। बबीता ने साल 1966 में फिल्म 10 लाख से डेब्यू किया था और बॉलीवुड में ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही थी। इसी फिल्म के अगले ही साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म राज से उन्हें बड़ी पहचान मिली और इस फिल्म में उनके अपोजिट राजेश खन्ना थे। आपको बता दें कि बबीता ने अपने फिल्मी करियर में केवल 19 फिल्में की हैं और शादी के बाद उन्होंने काम नहीं किया। बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आईं, जिनमें किस्मत, तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, अनजाना, कब क्यों और कहां और पहचान जैसी फिल्मों का नाम खास तौर पर शुमार है। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में स्टारडम, शोहरत और रुतबा दिलाया। एक फिल्म में काम करते करते रणधीर कपूर को बबीता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने की बात कही तो पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया। कहा जाता है शादी के खिलाफ होने की एक वजह यह भी थी कि उस समय कपूर खानदान में किसी एक एक्ट्रेस से शादी करना अपराध माना जाता था। लेकिन बबीता को रणधीर से बेहद ही प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और अंत में शादी कर ली। शादी के बाद बबीता ने एक भी फिल्म नहीं की। शादी के बाद बबीता को दो बेटियां हुई और वह अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। जी दरअसल उनका सपना था कि बेटियां इंडस्ट्री में खूब नाम कमाएं, लेकिन रणधीर कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं बबीता ने फैसला कर लिया था और उनके फैसले के बाद करिश्मा ने बॉलीवुड में कदम रखा। उसके बाद रणधीर और बबीता का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया और साल 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर को छोड़कर चली गईं और दोनों बेटियों का करियर बनाने में लग गईं। कहा जाता है साल 1991 में करिश्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। बता दें कि करिश्मा कपूर खानदान की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना। उसके बाद साल 2007 में बबीता और रणधीर के रिश्ते पहले से सुधरने लगे और अब दोनों अक्सर परिवार के फंक्शन में साथ देखे जाते हैं।